बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिर वादी की लाश की सड़कों पर पाकिस्तान बनने के पहली बार काम शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर लवर चतराल ने इन सड़कों का इफ्तिताह किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रफीक आलम ने इन मंसूबों की तफसील बताई। इस स्कीम की टोटल जो लेंथ है वो 46 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग ऑल दीस थ्री वैलीज, गिर वैली रोड, रामपुर वैली रोड और बम्बुरे वैली रोड। उनका कहना है कि सड़क की कुल लंबाई 40 किलोमीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, जिसके लिए एनएचए ने 4.6 अरब रुपए का फंड दिया है, जबकि सड़क में आने वाली जमीन की मालिकान को सूबाई हुकूमत अदायगी करेगी। डीसी चतराल का कहना है कि इन सड़कों की तामीर से सियाहत भी फरोख पाएगी। इसका एक डिस्टिंक्टिव नेचर है, बिल्कुल हेरिटेज है हमारी पाकिस्तान के लिए, इमेज बिल्डिंग है, प्रोजेक्शन और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है दुनिया में, इकॉनमी के साथ साथ वो भी बढ़ेगा। इन सड़कों की तामीर पर मुकामी लोग भी नहायत खुश है। ये रोड अगर हम बनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ईद के दिन हमारे यहाँ से बुमबरेत को 9 घंटे में पहुँच जाते हैं। वादी रामपुर, वादी बिरीर और वादी बुमबरेत के हजारों लोग सड़क की खराब हालत की वजह से नहायत मुश्किलात से दोचार थे। अब ये सड़क एनएचए को हवाला हुआ है, जिसकी तामीर पर अमली तौर पर काम का आगाज कर दिया गया और 2 साल में ये मुकम्मल होगा। इलाके के लोगों ने एनएचए की इस इकदाम को नहायत सराहा। सड़क की तामीर से अगर एक तरफ 2000 लोगों को रोजगार मिलेगी तो दूसरी तरफ इन पसमानदा वादियों में रहने वालों का रब्ता भी मुल्क भर से बहाल होगा। ये सड़क इन पसमानदा वादियों की तामीर में संगी मील साबित होगा। चतराल।